हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग बीच में नहीं आ रहा था क्योंकि आप लोगों को पता है परेशानी में थोड़ा सा हूँ। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ये 7 जुलाई की सुबह का वीडियो है और आज मम्मी पानी करेगी। पानी करना हम लोगों में होता है, पानी मसाला मिलता है, वो मिट्टी के कढ़ाई में उसको गर्म किया जाता है, फिर उसमें 21 पत्ता पूजा जाता है। तो मम्मी वेट कर रही थी कि दीदी आएगी तब करेंगे, तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी कोई करने वाला है नहीं। जैसे कि पहले से आप लोगों को पता है जिस तरह की मांगे थे बेटी को, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता, अभी मेरी सासू माँ रहती तो अभी तो इतना धूमधाम से होता, घर जाते हैं, लेकिन पंडित जी ने घर पे कोई भी चीज़ करने को मना कर दिया। तो ये सब कुछ लिखा हुआ होता है कहाँ किसका क्या होना है, तो यहीं से करेंगे। तो ये जो है राशन का सामान जो घर के लिए होता है ग्रॉसरी, वो है। तो मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ पर बैठी हूँ सामान निकालने के लिए, क्योंकि ये सब इतना करेगा कौन? जो काम करने वाले आती हैं वो भी दोनों टाइम आती हैं, खाना बनाती हैं, मालिश करती हैं, अकेला मम्मी क्या क्या करेगी? मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझे भी खाना बना के देना, घर पहुँचाना, बच्चे को अकेला छोड़ नहीं सकती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने वहाँ पर बाबू को बैठाया है और सोचा कि थोड़ा सा मम्मी का मदद कर दूँ, क्योंकि ये सब सामान समेटूँगी तभी तो फिर दूसरा सामान, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो कुछ करते नहीं, लेकिन दोस्त वगैरह ने कहा कि नहीं जो होना है तो पार्टी दो, ज़्यादा नहीं, बस आप ये समझ लीजिए कि मीडियम तरीके से सब कुछ हो रहा है। क्या होगा ये तो कल पता चलेगा या आज शाम तक में। तो पहले मैंने सोचा सारे सामान को रख दूँ, किचन भी समेटा हुआ रह जाएगा क्योंकि सामान अब लगातार आ रहे हैं। अब 4 लोग ही आ रहे हैं, मान लीजिए दीदी अगर आएगी तो दीदी है, दीदी के साथ उसका 4 बच्चा है, 5 बच्चा है दीदी को, जिसमें कि एक बच्चा थोड़ा सा आप ये कहिए कि विकलांग टाइप का है, दूसरे नंबर का बच्चा। और ये सुबह का टाइम नहीं है, अभी मुझे याद आई जब ये प्लेट लेके आए, ये ऑफिस निकल रहे हैं, इनका खाना पीना हो गया है, तो मम्मी किचन में लगी रहती है, तो मैं इस तरह निकाल रही थी सामान, तो ये बोल रहे थे कि इस तरह मत बैठो परेशानी होगी, लेकिन अब धीरे धीरे शरीर को चलाना होगा डियर, क्योंकि अभी जो है अब तो मम्मी भी धीरे धीरे चली ही जाएगी, छठी का रस्म के लिए वो रुकी है, छठी के रस्म के लिए वो भी निकल जाएगी, तो अकेले ही रहना है, अकेले सब कुछ करना है। मैं तो वॉइस ओवर आज कर रही हूँ और अब मतलब ये सुनकर लगता है मुझे कि कैसे मैं रहूँगी, इतना दिन से मम्मी रही, इतना केयर की कि मैं क्या बताऊँ। वही एक लगातार मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बीमार हो जाती हूँ, और कई लोगों को देखती हूँ कितना भी बीमार क्यों ना हो धैर्यपूर्वक रोज़ वीडियो डालते हैं, लेकिन मेरे से नहीं होता डियर। दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन आदमी को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। मेरा काम है तो मुझे रोज़ डालना चाहिए, आगे से मैं बिल्कुल प्रयासरत रहूँगी डियर। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि सारे सामान को समेट देती हूँ, फिर बाहरी जो भी सामान आएगा तो सही होगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत समय हो गया था, ये ऑफिस निकल गए, तब फिर चूँकि मैं दूध वगैरह पी लेती हूँ तो जीरा वगैरह का जो मम्मी बनाती है वो सब खा लेती हूँ, तो यहाँ पर मम्मी भी नहा के आ गई है और लंबा समय हो रहा है, 12:30-1 बज रहा है। तो यहाँ पर अब मम्मी पानी करने बैठ गई है, तो उधर गोठा वगैरह नहीं मिला कहीं पर, तो उधर मम्मी मिट्टी के कढ़ाई में पानी गर्म करके अभी आम के पत्ता पर पूजने जा रही है चक्की बना के। चक्की भी सही उतना नहीं बन पाया था, इससे ये बहुत मेरा की है, बहुत की है, बस देखने में मोटी है डियर, लेकिन अभी माँ है। और अभी तो मैं क्या बताऊँ आपको, वीडियो में जो वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी तो मैं इसको देख रही हूँ, लेकिन ये अभी चली गई है डियर, अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये जा चुकी है, तो मैं इसको देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मम्मी यहीं पर है, और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है डियर। माँ तो माँ होती है, इतने मैंने बहुत किया, लेकिन जाने देने का मन ही नहीं करता था, लगता था कुछ दिन और रुक जाए, कुछ दिन और रुक जाए, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ टेंशन सा हो गया था, कुछ हो गया था ऐसा छोटे मोटे बात पर, और मेरे पिताजी चले गए, मेरा भाई लेके वो चला गया, मम्मी को भी लेके वो चला गया था पटना में ही, लेकिन फिर मम्मी बोली कि नहीं मैं बच्चे का छठी करके ही जाऊंगी, तो फिर मम्मी वापस आ गई दूसरे ही दिन, और शनिवार को मम्मी चली गई थी। तो बहुत वो रात कैसे गुजरा है मेरा, मुझे ये लगता था कि अब मेरे बच्चे का छठी नहीं होगा, और चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई और हो, सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, क्रोध जो होता है, गुस्सा जो होता है वो बहुत काल होता है, और मुझे खुद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है डियर। अगर आप लोगों के पास कोई उपाय है, कोई पंडित जी है, कोई अंगूठी जिससे कि गुस्सा कंट्रोल हो, क्रोध कंट्रोल हो, क्योंकि मुझे भी होश नहीं रहता है, मैं गुस्से में क्या बोल रही हूँ, कहाँ बोल रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिए डियर। किसी भी तरह का अंगूठी होगा तो मैं ज़रूर पहनूँगी। तो फिर ये मम्मी 7 जुलाई को, मम्मी को मैंने कहा कि कल ही कर लेना, फिर अचानक से आया दिमाग में
कि दीदी आएगी, तीन चार उसका छोटा छोटा बच्चा रहेगा, मम्मी उसके बच्चे को भी दूध वगैरह देगी, इसको भी देखना है। मेरा शरीर अभी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, उठ नहीं पा रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा है तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मम्मी को कहा तुम रस्म को निपटा दो। तो सारा चीज़ रस्म हुआ है, बस डियर मुझे याद है मेरे बेटा का जब हुआ था तो इसकी दादी उस समय थी, तो बहुत गीत वगैरह सब कुछ हुआ था, बहुत अच्छे से हुआ था, मुझे सब याद है। मुझे चुमाया गया था और यहाँ पर मम्मी अपने हिसाब से की, क्योंकि अब तो मेरी सास रही नहीं जो बताएगी, तो यहाँ पर मम्मी का पानी हो गया है, पानी किया हुआ, पूजा कर ली, प्रणाम कर ली। अब इसमें होता है इसके बाद मैं बच्चा को गोद में लेकर के प्रणाम करूँगी, पितृलोक को पूजा जाता है, तो फिर यहाँ पर अब मैं बाबू को लेकर आऊँगी और प्रणाम करूँगी। तो परिवार में डियर छोटा बड़ा हर तरह का बात होते रहता है, सबको अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए, मेरा भी धैर्य ख़त्म हो जाता है। बाकी लोग तो गुस्सा करते ही हैं लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है डियर, और अब मैं गुस्सा करते करते परेशान हो गई हूँ। अब मुझे लगता है कोई ऐसा उपाय हो, कोई ऐसा कुछ बताए कि आप ये पहन लीजिए, ये करिए, ये बुक पढ़िए, इस भगवान को पूजिए, जिससे कि गुस्सा ख़त्म हो जाए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ डियर। आप लोग अगर मेरे समर्थक हो, मेरा भला चाहते हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ये चीज़ सजेशन करो। आप लोग की सलाह मैं बहुत मानती हूँ। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पर मैं बाबू को लेकर आई हूँ और मैंने प्रणाम कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ डियर। जब बाबू मुझे नहीं हुई थी तो मैं आप लोगों से हर दिन कहती थी, मैं भगवान से प्रार्थना करिए मेरा सब कुछ ठीक हो, मैं ठीक हो जाऊँ। इस तरह करके भगवान ने मेरा कल्याण कर दिया। टंडिया मराने का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका नाम ले ले करके मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया है, बहुत कष्ट से, बहुत मुश्किल से। मेरी ननद भी नहीं है डियर, तो बेटी का बहुत शौक था, और मेरे हस्बैंड बहुत कुछ करते हैं, उसके बाबा भी बहुत कुछ करते हैं, चाचा भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मेरे ससुर को भी बिकोला हो गया, फिर भी डियर मेरे ससुर नहीं थे, इसके बाबा ने इसको इतना चीज़ दिया है, इतना चीज़ दिया है। सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डियर, एक एक करके। तो इसके बाद ये पानी हुआ, उसके बाद आज रात में ये दीदी आएगी तो वो भी मैं शेयर करूँगी डियर, उसके बाद फिर छठी का ब्लॉग शेयर करूँगी, फिर मैं एक एक करके दिखाऊँगी कि दादाजी ने क्या दिया, या फिर जो मेरी दीदी थी वो क्या लेकर आई। और यहाँ पर ये देखेंगे पानी वानी करने के बाद जो है 7 तारीख के शाम का ही, अभी दीदी लोग नहीं आई है, पूर्णिया से आने में अपने ही गाड़ी से वो आ रही है, लेकिन पूर्णिया से आने में 10 घंटा तो कम से कम लग ही जाएगा उसको, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है, उसको कहीं रुकना, कहीं उल्टी करना, कहीं कुछ करना। तो यहाँ पर मम्मी तेल लगा रही थी बाबू को, और उसके बाद यहाँ पर गद्दा वगैरह भी आ गया है, 4 ही लोग मान लीजिए आ रहे हैं, सबका व्यवस्था तो उत्तम होना ही चाहिए। एक दीदी की देवरानी की का भाई है, उसी के साथ दीदी आ रही है, एक ड्राइवर साहब हैं, तो सबके लिए गद्दा वगैरह आ गया है, पंखा वगैरह आ गया है, पंखा का तो कल भी ज़रूरत होगा नीचे, जो कुछ लोग खाने आएंगे। ये विशेष लोगों को नहीं कहे हैं, बस अपने दोस्त वगैरह को कहे हैं हल्के फुल्के। मेरे ससुर ने कहा 10 बड़े लोगों से आशीर्वाद दिला दो, तो ये बस हल्के फुल्के ढंग से हो रहा है डियर। और यहाँ पर दीदी आ चुकी है, और लगभग रात के 11-12 बज रहे हैं, कोई नहीं सोया है, 10 बजे ये आई ही, तो ड्रेस वगैरह चेंज करके ये दिखा रही है, ये जो पीला साड़ी देख रहे हैं ये मेरे लिए लाई है, नाइटी मेरे लिए लाई है, ये भी बहुत सामान लाई है, तो ये सबको दिखा रही है। और ये देखिए प्यारा सा क्यूट सा मेरी दीदी का बेटा कितना प्यारा है, ये भी बहुत बहुत मतलब मांगने वांगने पर हुआ है, जो लेटी है मेरी दीदी की बेटी है, उसके बाद ये है। और डियर कैसे हैं आप सब, आज 8 जुलाई की सुबह यानी आज मेरी बेटी के छठी का रस्म है, दीदी लोग आ गए जैसा कि आपने देखा, और मैं ब्लाउज में हुक लगा रही हूँ, ये ब्लाउज मैंने बिल्कुल जल्दी जल्दी में बनाया है, क्योंकि दीदी भी जो साड़ी लाई है उसका भी बॉर्डर लाल है, और मुझे जो ससुराल से साड़ी आया है उसका भी बॉर्डर लाल है, जल्दी जल्दी मैंने कल इसको बनाया है। और मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है डियर, आप देख रहे हैं, और रेडीमेड ब्लाउज मंगाया लेकिन बिल्कुल वो मुझे सही नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा था, तो अब आप लोग बस दुआ दीजिए कि बढ़िया से मेरी बेटी का सब कुछ हो जाए। और दीदी तो आ गई है पूर्णिया से 4 छोटे बच्चे को लेकर के, सब कुछ मैं जितना प्रयास होगा, जितना संभव होगा, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डियर, तो आगे बने रहिएगा इस चैनल के साथ। लोग वही हैं, दीदी है अपनी ही गाड़ी से आई है, ड्राइवर साहब हैं, और जिसके साथ आई है दीदी की गोतनी का भाई है वो हैं, तो इस तरह से कुछ लोग आए हैं, बाकी अब अगल बगल और घर के किसी लोगों को नहीं कहे थे। बात है क्या, बाबू को कोई काजल पहनाने वाला नहीं था, बुआ इसको है नहीं, मौसी थी इसके भी आने का कम चांस था, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा लेके आना पूर्णिया से पटना संभव नहीं है, लेकिन ये आ गई है। तो चलिए डियर अब आगे आपसे, आज मैं सब कुछ पहनूंगी, कान में, नाक में पायल वगैरह सब कुछ पहनूंगी, तो कोशिश करूंगी सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने का।
आप तो पूरा घर पूरा मैसी हो गया। मैं हमेशा साफ करते जा रही हूँ लेकिन भी थोड़ा सा हो गया है। बच्चा उच्चा है, ज़्यादा लोग तो नहीं आए हैं लेकिन वही है, दीदी आई है, दीदी के चार बच्चे हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपनी बेटी का फ्रॉक शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, ये दो फ्रॉक ये लाए हैं। इतना जल्दी जल्दी में भी मैं आप लोगों के लिए समय निकालूँ। ये ब्लैक पिंक है और ये येलो है। पिंक थोड़ा सा बड़ा है, येलो थोड़ा सा साइज में छोटा है। तो यही वाला अभी रात में फंक्शन में पहनाया जाता है। जब छठी पूजा बाबू का हो जाएगा तब फिर इसको पहनाऊँगी, इसको भी धोना होगा। और ये पिंक है। और दीदी जो भी दिए दीदी को वो मैं बाद में दिखाऊँगी। मैंने जो मंगाया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, दीदी का छोटा वाला बेटा के लिए मंगाए हैं ये इस तरह से ही। और बाकी इसका सब कुछ रहेगा, अभी कुछ नहीं दे रहे हैं, बस ये वाला है। इस तरह से है इसका पैंट और टी शर्ट। और मैं साड़ी दिखा देती हूँ, जो दो तीन साड़ी मैंने मंगाया है ये देखेंगे। ये एक ये है येलो पे है, और एक ये है, ये भी येलो पर ही है। येलो पर तो दो साड़ी है और एक मैरून पर है। ये मैरून पर एक मौसेरी ननद आ रही है, एक दीदी है, ये दोनों काले पहनाएंगे। और एक मम्मी के लिए है, बाकी विशेष कोई लोग नहीं आए हैं। और जो बच्चे को पीले को पीला कपड़ा में लपेटा जाता है, तो पहले पीला कपड़ा मंगाया था, इस कलर का आ गया था ऑरेंज, फिर दोबारा ये पीला मंगाए हैं। और छोटा बड़ा बहुत चीज़ आया है। तो साड़ी शायद मैंने आपको दिखाया था, साड़ी मैंने दिखाया था छठी पूजा कौन पहन के होगा, लेकिन दीदी ये लाई है तो ये बोल रही है यही पहनना है। तो देखते हैं, मैंने जल्दी जल्दी में ब्लाउज भी पूरा कर लिया है। और ये देखिए दीदी के बेटा को, दीदी की ये जो है दूसरी नंबर वाली बेटी है, ये जो बैठी है तीसरी नंबर बेटी है, उसके बाद ये है। तो हुआ यूँ कि पहली बेटी हुई, उसके बाद दूसरा बेटा थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ गया, तो इसी चक्कर में फिर ये तीसरी भी बेटी हो गई, चौथी भी बेटी हो गई। दीदी यहाँ तैयार हो रही है मार्केट, इसको जाना है कुछ कुछ सामान इसको और अभी लेना है। मम्मी यहाँ चाय पी रही है, ना चाहते हुए कुछ कम ही लोग आए थे डियर, हम ही लोग आए थे, लेकिन फिर भी बातचीत करते हुए आप समझते हैं बहन माँ बेटी बातचीत करते करते बच्चा लेट हो जाता था। और ये जो मच्छरदानी उधर देख रहे हैं बेड, वो भी दीदी लाई है। तो मैं आपको साड़ी मैंने दिखाई दिया मैंने क्या क्या लिया है, तो ये सुबह तक का मैंने आपसे शेयर किया। आप मिलती हूँ, देखती हूँ क्या कुछ आपके साथ शेयर कर पाती हूँ डियर। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे बच्चे को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा डियर। फिर नए सिरे से आपसे मिलेंगे। और आप लोग बताइए कि कब तक मैं ठीक हो जाऊँगी। ठीक तो महसूस करती हूँ लेकिन डर लगता है कहीं ऊँची नीची ना हो जाए। तो आप लोगों जिसको बेबी है, जिसको नॉर्मल हुआ है, जिसको एक्सपीरियंस है, मुझे बताइएगा मैं कब से फ्री होकर काम कर सकती हूँ, हर तरह का काम कर सकती हूँ। अभी तो मैंने शुरू कर दिया है धीरे धीरे, क्योंकि अब मेरा मन होने लगा है, मन में डर होने लगा है कि मम्मी लोग चली जाएगी। तो अब तो धीरे धीरे मैं काम में लग गई हूँ डियर। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अब दीदी जा रही है नीचे चूल्हा पूजन के लिए, क्योंकि हलवाई सब भी आ गया है, दिन का खाना भी वही हम लोग का बनाएंगे। तो दीदी जा रही है चूल्हा पूजन के लिए। तो चलिए डियर, अब अगले ब्लॉग में मिलूंगी, छठी के ब्लॉग में। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।